इमरान खान को रोकना नामुमकिन हो गया है, ये अब इमरान खान के मुखालफीन ने भी तसव्वुर कर लिया है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब, कामरान साहब आप ही गवर्नर थे सिंध के, तो उस वक्त चार दिनों में सुबह से लेकर रात तक अदालत लगती थी और इन चार दिनों में इमरान खान के खिलाफ तीन फैसलों में सजा सुनाई गई। उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? असम्बलियां तोड़ने पर गौर शुरू हो गया है, हुकूमत के अदलिया पर वार शुरू हो गए। आखिर मुस्लिम लीग नोन की हुकूमत ही अदलिया पर वार क्यों करती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और टिकटॉक। तीन स्टोरियां जिस पे आज हम बात करेंगे। असम्बलियां तोड़ने पर गौर शुरू हो गया है, ये किसने कहा है, कहां से यह खबर आई ये आपको बताएंगे। हुकूमत के अदलिया पर वार शुरू हो गए। आखिर मुस्लिम लीग नोन की हुकूमत ही अदलिया पर वार क्यों करती है? इस पर तफसीली बात करेंगे। इमरान खान को रोकना नामुमकिन हो गया है, ये अब इमरान खान के मुखालफीन ने भी तसव्वुर कर लिया है। सबसे पहले मैं इन खबरों से पहले कुछ जिक्र करना चाहता हूं कि आज गवर्नर सिंध ने कहा कि जनाब अदलिया को खबरों की जीनत नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूं। उन्होंने कहा कुछ लाडले हैं जिनके फैसले फौरी हो रहे हैं। बिल्कुल मैं इस बात पर भी 100% उनकी बात से मुत्तफिक। फिर उन्होंने कहा कुछ जमानतें जल्दी में हो रही हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आज एक और अदलिया पर हमला उस शख्सियत ने किया जो जरावाला से जिनका तल्लक है और तोहीने अदालत में सजा भुगत चुके हैं, और भी बहुत से लोगों ने आज अदलिया पर, कल भी अदलिया पर वार की, आज भी अदलिया पर वार की है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इन खबरों से पहले थोड़ा सा याद दिला दूं। सबसे पहले मैं नहायत अदब से याद दिलाना चाहता हूं मोहतरम गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब को। कामरान साहब आप ही गवर्नर थे सिंध के, तो उस वक्त चार दिनों में सुबह से लेकर रात तक अदालत लगती थी और इन चार दिनों में इमरान खान के खिलाफ तीन फैसलों में सजा सुनाई गई। उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि यह क्या हो रहा है? क्या उस वक्त आपको किसी ने रोका हुआ था? क्या आप उस वक्त खामोश थे या आपकी मंशा उसमें शामिल थी? उसके बाद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, उनका जहाज इस्लामाबाद रुकता है, उनके जहाज के बाहर उनके थम लिए जाते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि घंटों में जमानतें हुई, बिल्कुल इसी तरह मियां साहब की जमानतें घंटों में हुई। दुरुस्त कहा आपने, मैं आपकी बात से इंकार नहीं करता, लेकिन आप नाम ले देते तो कितने अच्छे लगते। नाम आपने इसलिए नहीं लिया कि आप तनकीद सिर्फ इमरान खान पर कर रहे थे, बाकी आपको सब अच्छा लगता है। क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या अदालत में नैब के प्रोसिक्यूटर को नहीं बुलाया गया और नैब का प्रोसिक्यूटर खुद आकर बैठ गया? क्या उस वक्त आप ये बात नहीं कह सकते थे? नहायत अदब से आपसे गुजारिश है, उस वक्त भी आपको यह बात कहना चाहिए थी। आपको उस वक्त भी यह बात कहनी चाहिए थी जब रात 12 बजे अदालतें लगी, तो आपको उस वक्त भी यह बात कहना चाहिए थी। आपको बहुत से वक्तों पर यह बात कहनी चाहिए थी। मैं भी समझता हूं कि वकला और अदालतों के फैसले सुर्खियां नहीं होते बल्कि कानून होते हैं, और इसी तरह गवर्नर्स हों, वज़रा हों, सियासतदान हों, उनके भी कुछ अदब और आदाब होते हैं।
आज की घर चमक से मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब सुप्रीम कोर्ट पर एक हमला हुआ था। मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर उस हमले में फिर क्या क्या हुआ था और उस वक्त भी हुकूमत किसकी थी। एक चीज़, एक खबर आपको पहले, ये मैंने ये इसलिए कहा कि मैं कुछ चीज़ें याद दिला दूँ, उसमें कोई शक नहीं है कि क्या पाकिस्तान के अदारों, पाकिस्तान के अहम तरीन अदारों का अदब सबसे ज़रूरी है। उन अदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और उनकी कुर्बानियों की हमने हमेशा, हमें क्या पूरे पाकिस्तान को उसकी कदर करनी चाहिए और उसके ख़िलाफ़ किसी कस्म का कोई प्रोपोगंडा ना करना चाहिए ना उसका हिस्सा बनना चाहिए। अब बात करते हैं, असम्बलियां तोड़ने पर गौर हो रहा है तो आपको यह खबर दे दूं, मैं बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, बड़ी खबर। बकायदा पीपल्स पार्टी के एक ऐसे रहनुमा कादर मंदो खेल, जो इंतहाई करीब हैं आसफ अली जरदारी के, बिलावल भुट्टो जरदारी के, मुख्तलिफ टीवी टॉक शो में उन्हें भेजा जाता है, उन्होंने ये दावा किया है कि 28 मई को जैसे ही नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत मिलेगी तो उसके कुछ अरसे बाद ही नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को ये हदायत जारी करेंगे कि आप फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ दें, आप फौरी तौर पर असम्बलियों को तोड़कर नए इलेक्शन का ऐलान कर दें, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर हम ज़्यादा अरसा रहे तो कभी भी इक्तदार में नहीं आ सकेंगे। वो एक रिस्क लेना चाहते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ने के बाद शायद पंजाब में उन्हें अक्सरियत मिल जाए और शायद बड़े मियाँ साहब का ख्वाब पूरा हो जाए। ये आपको मैं एक बड़ी कन्फर्म खबर दे रहा हूँ कि असम्बलियाँ तोड़ने पर बकायदा गौर शुरू हो गया है। आज आपको एक और चीज़ नज़र आएगी जब आप मेरा व्लॉग सुन रहे होंगे, और वो चीज़ ये नज़र आएगी कि आज अदलिया पर एक और बड़ा वार हुआ है, बड़ा वार हुआ है आज फिर एक और अदलिया पर, और ये जो वार हुआ है आप इसका जवाब अदलिया की तरफ से क्या आता है ये तो सब देख ही लेंगे। कप्तान जिसकी जमानत हुई, मजीद जमानतें होने जा रही हैं, कप्तान की एक जमानत ने इतना शोर डाल दिया कि अदलिया पर तनकीद शुरू हो गई। हालांकि ये लोग भूल गए कि इस एक केस में कितनी समातें हुई हैं, इस एक केस में कितना वक्त लगा है। लेकिन इसके बावजूद हम तो यही कहते हैं ना, हमें मिले तो सब अच्छा, हमें ना मिले तो कोई भी अच्छा, कोई भी अच्छा नहीं। तो आपको एक चीज़ दे दें, आज एक फैसला मुहालफीन भी आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि अब इमरान खान को रोकना मुमकिन नहीं है इस जमानत के बाद, और इंटरनेशनल प्रेशर और बहुत सी चीज़ें सामने आने के बाद अब इमरान खान रुक नहीं सकता, बल्कि इमरान खान आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।